अजीत भाई कैसे हैं? बस ठीक है प्रदीप भाई, आप सुनाइए। आप बढ़िया? बस बढ़िया। और आ गए महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से कल ही आए। कल ही आए हो जी। तो अजीत भाई सबसे पहले एक बार अपना पूरा नाम बताएं। अजीज आबेदीन, अहमदनगर से। अहमदनगर से। और अपने फार्म का नाम क्या है? गुलशन स्टेट फार्म। गुलशन स्टेट फार्म। तो अभी काजिम घोड़ा यानी कि रिंग के लिए आ चुका है। हाँ आ गया है ना। तो घोड़ा कब आ गया था? घोड़ा दो दिन पहले ही आया है। दो दिन पहले जी। तो मैं उसके काजिम के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा, जैसे उसकी उम्र क्या है जीज भाई? अभी 5 साल का है। 5 साल का है जी। और अगर बात करें उसके यानी कि बाप की, किस लाइन का है? ये आलीशान का है, डायरेक्ट आलीशान का है जी। और माँ की तरफ से? माँ की तरफ से चंदन है, उसकी माँ का नाम चंदन है जी। तो घोड़ा अपने यानी कि खरीदा था अजीज भाई, क्या पहले से ही अपने घर पे था? नहीं नहीं, पैदा यही हुआ है पंजाब में। पंजाब में ही? और यहीं से लेके गए थे। अच्छा, पंजाब से लेके गए थे। तो अजीज भाई जैसे कि घोड़ा काजिम बहुत सारी रिंगों में बिनर बना हुआ है जी, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप बताएं कि किस किस रिंग में वो बिनर बना हुआ है। सबसे पहले तो ये जब आदंत था, मिल्क टीथ में पुष्कर में विनर हुआ है, उसके बाद टू टीथ में बालोतरा विनर हुआ है, उसके बाद स्टैलियन के अंदर ये महाराष्ट्र के सभी रिंग में विनर हुआ है। महाराष्ट्र की सारी रिंग में? सारी रिंग में। ओके। फिर उसके बाद जोधपुर में आया है सेकेंड, फिर और बाहर की जितनी रिंग हुई है हर जगह में तो नंबर आया ही है। नंबर आया है 100%। यानी कि 6-7 रिंगों में? 8 रिंग में विनर रह चुका है। 8 रिंग में जी। और अब इसकी बार फरीदकोट में घोड़े को दंगल लड़ने के लिए लाए हो दोबारा से। तो अजीत भाई लॉकडाउन के बहुत लंबे टाइम के बाद में रिंग हो रही है ना जी, तो क्या 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 लग रहा है आपको इस रिंग, फरीदकोट की रिंग के बारे में? घोड़ा पहली बार आया मेरे हिसाब से फरीदकोट रिंग में? पहली बार। तो लगा थोड़ा सा कि यार इतना दूर है, घोड़े को ले जाने में प्रॉब्लम होगी, आया थोड़ा दिमाग में विचार? हाँ हाँ, वो तो हमेशा आता ही है, इतना दूर घोड़ा ट्रांसपोर्ट करना तो रास्ते का रिस्क रहता है। लेकिन फिर यहाँ का रिंग के बारे में सुना था काफी कि यार जजमेंट वगैरह सब एकदम अच्छा होता है और फेयर डिसीजन एकदम सही से होते हैं। यानी कि जो यहाँ का डिसीजन है, जजों का डिसीजन है, वो एकदम बढ़िया रहता है। यानी कि तो सोचा होगा कि घोड़े को दोबारा ले जाया जाए। फिर इस रिंग में कभी घोड़ा लगा भी नहीं था ना? नहीं, पहले कभी नहीं आया। पहले कभी नहीं आया नहीं। तो सर काजिम का जैसे अगर रिजल्ट वगैरह की बात करूँ तो मैं किस तरीके के आ रहे हैं अभी? काफी अच्छे आ रहे हैं प्रदीप भाई। तो यानी कि मार्किंग में कैसे क्या आ रहा है? मार्किंग में अभी देखिए ब्लेज भी दे रहा है और टीका भी दे रहा है। ब्लेज भी और टीका भी दे रहा है पूरा। अच्छा, ओके। तो अजीत भाई यानी कि घोड़ा रिंग के बाद में रुकने वाला है यहाँ पे? 22 तारीख तक का तो प्लान है। अच्छा, 22 तारीख तक घोड़ा यहाँ पे रुकेगा ना? यानी कि दूसरी रिंग तक। उसके बाद में फिर अपने शहर अहमदनगर चला जाएगा? नहीं, फिर रंसी है, रंसी जाने वाला। अच्छा, रंसी जाएगा जी। तो कवरिंग की फीस वगैरह क्या रखी हुई है आपने? अपन 51,000 ही लेते। 51,000। चलो, पंजाब में भी कुछ लोग अगर कवरिंग कराना चाहेंगे तो 22 तारीख घोड़ा है तो वो करवा सकते हैं। एक ये भी सही रहा कि आप रिंग के बहाने घोड़ा इधर लेके आ गए जी। तो बहुत सारे लोग क्या कभी कभार किसी घोड़े से कवरिंग कराने की सोचते हैं पर बहुत दूर होने के कारण भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि भाड़ा ही इतना लग जाता है। वैसे क्या भाड़ा लग गया होगा इधर तक आने में और जाने में घोड़े का, यानी कि ट्रांसपोर्ट की बात करें तो? अभी ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो 1 लाख के ऊपर लग जाएगा। 1 लाख के ऊपर है ना, कवरिंग 1.5 लाख की पड़ जाती है। और सारे लोगों के लिए मौका है अभी कि वो ट्रांसपोर्ट का कोई चार्ज नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू अजीज भाई। कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह हो अजीज भाई अपना, घोड़ों का पर्सनल कोई नंबर? 9890178652। ओके, थैंक यू अजीज भाई। और हम उम्मीद करेंगे कि फरीदकोट की रिंग में भी काजिम विनर बने। अमीन, तो अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जैसा परफॉर्म करेगा उस हिसाब से देंगे, यहाँ के जजेस पे है पूरा भरोसा। बिल्कुल अजीज भाई जी।